इस टाइप के प्रॉब्लम में हर टेक्नीशियन के मन में बहुत से सवाल खड़े होते हैं। गाइस कैसे हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि मोबाइल कौन सा है आपके पास। सैमसंग का भी हो सकता है, ओप्पो, वीवो, कोई से भी मोबाइल हो सकता है। डिपेंड करता है मोबाइल का ब्रांड, ब्रांड कौन सा है। अब मान के चलो सैमसंग का होगा तो आपको पहले रिकवरी फंक्शन आपको चेक करना है। रिकवरी फंक्शन कैसे आता है, रिकवरी फंक्शन हर मोबाइल का अलग अलग होता है। तो रिकवरी फंक्शन से आपको ये आइडिया लग जाएगा इस मोबाइल में सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है या हार्डवेयर का प्रॉब्लम है। अब ये डायरेक्ट तो आएगा नहीं, आपको पहले स्विच ऑफ करना पड़ेगा, चाहे इनबिल्ट बैटरी हो चाहे नॉन इनबिल्ट बैटरी हो, मतलब कैसे ही बैटरी हो आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करना ही पड़ेगा। उसके बाद में रिकवरी फंक्शन के द्वारा आप एंटर हो सकते हो। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा, रिकवरी फंक्शन किस तरीके से आता है आपको पता ही होगा, आप टेक्नीशियन हो। एक्सपर्ट का मानना है ईएमसी रिबॉलिंग करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो किसी का कहना है कि सीपीयू रिबॉलिंग करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, हमें क्या स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है।